अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हैदराबाद से मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैसेज इमरजेंसी इसीलिए है क्योंकि इमरजेंसी वाली बात है। अल्लाह माफ़ करे, अभी हैदराबाद में काफ़ी देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है रोडों पे नज़र आते हैं, काम करने वाले हैं, तरकारी बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले या कोई शोरूम पर काम करने वाले लड़के, नौजवान या बड़े लोग भी रोज़ा नहीं रह रहे मेरे भाई। अल्लाह रहम फरमाए कि कोई भी उज़र नहीं, अगर से पूछेंगे तो बोलते गर्मी ज़्यादा है, और बास लोगों को बोलते सिगरेट की और गुटके की आदत है, नहीं छोड़ सकते तो रोज़ा नहीं रह रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या गर्मी नहीं थी? क्या आज जो रोज़ा रह रहे हैं के सारे जो है एसी में बैठ के रोज़ा रह रहे हैं? अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग तो और ज़्यादा शदीद गर्मी वाली है। पहले तो भी जो ऐसा होता था कि नमाज़ नहीं पढ़ने वाले भी जो है कम से कम एक महीना आता तो उसमें जोश दिखाते, रमज़ान में इबादत करते, नमाज़ें पढ़ते, रोज़ा रखते, रोज़ा नहीं रह रहे मेरे भाई। अल्लाह रहम फरमाए, आप ज़रा सोचिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए मेरे भाइयों और मेरी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने घर के मर्द अगर रोज़ा नहीं रह रहे हैं तो उनके साथ जो है आप नाराज़गी जाहिर करें, उनको बताएं भाई ऐसा करेंगे तो खाना वगैरह नहीं मिलेगा घर में, क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, एक महीना अल्लाह ताला दिया है, अगर हम उसमें भी नहीं करेंगे तो कैसा? हालांकि 5 टाइम नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, पहले तो वो भी नहीं करते लेकिन अब रोज़ा भी नहीं रह रहे। अगर आपको ये कहा जाए कि 50,000 रुपये मिलेंगे आपको सुबह से शाम तक भूखे रहना है तो हम 50,000 के लिए सुबह से शाम तक भूखे रह जाते, लेकिन हमको ये मालूम है कि रोज़ा रहेंगे तो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत हमको नहीं चाहिए। तो अल्लाह से जो है ना डरना चाहिए। हम यानी किसी को ऐसा तंज नहीं कर रहे हैं मगर दिल की तड़प से, गहराई से तकलीफ हो रही वल्लाह ही देख के लोगों को कि रोज़ा नहीं है, आराम से सिगरेट पी रहे हैं, गुटके खा रहे हैं, पान के डब्बे खुले हैं। अगर इस्लामिक वैलिड एक्सक्यूज़ है, कोई रीज़न है आपके पास शरई तौर पर, तो फिर अगर ठीक है वैसा है, और उसमें भी ख्याल करेंगे लोगों के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं, गुटका खा रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह से डरें। मौका है अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ रमज़ान बाकी है, तौबा कर लें, बाकी के जितने रोज़े इंशाल्लाह ताला रोज़े रह के गुजारें, अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। अजीजिया होटल और एशियन फूड के डायरेक्टर मोहम्मद सादिक ने शहर हैदराबाद में कर दिया है एक नया कारनामा। Thank you.